तो मुझे दो तीन जींस दस वन एंड वेटिंग आउट लाइक एन हेल यार मैन नॉट लाइक Hi guys, welcome back to my channel. This is Piyush Patel and you're watching on my channel, P-Star Dreams. Okay, so this video is, first of all, thank you so much for watching this video. And this video is based on Kim Tyong. Sorry if I'm pronouncing wrong, but this is a BTS member, which is Kim Tyong. So Kim Tyong, sorry. सब मैं बार बार सॉरी बोल रहा हूँ बिकॉज मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस सबसे पहले तो सो इट्स किम ट्योंग एंड उसके आउटफिट एक्चुअली मैंने पिंटरेस्ट से कुछ निकाले एंड देन वाई नॉट मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज क्रेज अबाउट हिम एंड दैट्स वाई एंड जो मेरी कोरियन जो मेरी पहले एक रिसेंटली मैंने जो एक महीने पहले शायद दिसंबर में मैंने जो वीडियो अपलोड की थी कोरियन आउटफिट वाली सो वो वाली बहुत ज़्यादा वायरल हुई नॉट मेरे लिए स्पेशली वायरल बिकॉज इट्स 20K क्रॉस एंड सबसे पहले वीडियो है जो मेरे चैनल पे जो 20K क्रॉस हुए व्यूज एंड शायद आपके लिए कम होगी लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब इट्स वेरी ह्यूज फॉर मी बिकॉज 10K इज ऑल्सो वेरी ह्यूज फॉर मी बिकॉज आई वॉज होपिंग कि 10K एटलीस्ट क्रॉस हो जाए विच वुड बी वेरी वेरी यू नो बहुत ज़्यादा अमेजिंग मतलब एक अलग वॉल्यू मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हाउ कैन आई टेल माई एक्सप्रेशन हाउ कैन आई टेल माई फीलिंग्स टू यू बट येस वो वाली वीडियो पर आपने इतना ज़्यादा मतलब प्यार दिया अप्रिशिएट किया सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू दैट वीडियो एज वेल एंड अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आई विल बी एडिंग अ द बेल आइकन यहाँ दो आई एम नॉट श्योर कहाँ ये दोनों बाजू से किधर भी आ जाएगा सो येस जस्ट डू वॉच दैट वीडियो एज वेल एंड येस दिस वीडियो इज ऑन किम ट्योंग आउटफिट सो जैसे कि मैंने बोला मैंने पिंटरेस्ट से किम ट्योंग के कुछ आउटफिट मतलब निकाले हैं एंड वहाँ से मैंने कुछ क्लॉथ्स जो कि रिलेटेबल है वो मैंने सर्च किए सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं वीडियो में So let's go. Okay, before moving forward towards the video, I just want to clear it out with you all that this video is non-sponsored. So, अगर आप सोच रहे हो कि ये sponsored video है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सब अच्छे-अच्छे ratings दूंगा, अच्छा-अच्छा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, non-sponsored है, fully non-sponsored है. So, I'm waiting for the sponsor. So, please send me. Okay, so yes, this video is non-sponsored. And also, I just want to clear it out that I am not a BTS fan or BTS army. So, okay, so अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं BTS fan हूँ, इसलिए मैं ये video बना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. I'm not a BTS fan. That doesn't mean I do not respect them or else I hate them. Hate होता तो मैं वीडियो बनाता नहीं सबसे पहली बात तो वो. So I definitely respect them. I definitely respect every artist. So सबसे पहले तो because they are working hard for themselves. What people think about them, I don't care. But definitely there is a huge hard work behind a short video as well because मुझे पता है कि एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत लगती है बिकॉज आई एम लिटरली यू नो इट्स गेटिंग लाइक स्वेट पूरा इतना गर्मी हो रहा है फैन ऑफ मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ सो येस नो ऑफेंस टू एनी फैंडम लाइक BTS और जो BTS हेटर्स है उनको भी नो ऑफेंस टू एनी ऑफ दैम दिस इज जस्ट फॉर द फैशन मेरा नीश है फैशन रिलेटेड सो जस्ट बिकॉज उसकी फैशन सेंस अच्छी है आई लाइक like his fashion sense Kim Tyong ki that's why I just created this video nothing much more so before moving forward I just want to clear it out that fabric ka reference ho sakta hai clothing mein because jo outfit hai usse bahut zyada reference hota ho sakta hai fabric mein so yes and definitely pattern and coloring mein thoda sa 19-20 हो सकता है सो दैट्स वाई सो येस फर्स्ट आउटफिट में जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यहाँ पे मैं जस्ट बिकॉज देख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे लैपटॉप है ओके सो रिलैक्स हाँ जैसे कि आप आउटफिट देख रहे हो जो उसने पहना हुआ है किम जोंग ने जो कि है चीता कलर का शर्ट एंड नीचे बैगी जींस है डेफिनेटली एंड ऊपर वाइट कलर का वेस्ट है जो कि मैं अभी पूरा डिकोड करने वाला हूँ ये पूरे आउटफिट को दिस इज द चीता पैटर्न शर्ट आई विल बी अटैचिंग ओवर हियर एंड जो भी प्रोडक्ट्स के A to Z जो भी प्रोडक्ट्स के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे सो नो वरीज अबाउट इट सो दिस इज द चीता पैटर्न शर्ट विच इज फॉर ₹899 एंड दिस इज फ्रॉम मिंत्रा सो दिस इज फॉर ₹899 एंड दिस इज चीता पैटर्न शर्ट वैसे तो बहुत सारे पैटर्न मतलब ऐसे ही सेम चीता पैटर्न के बहुत सारे शर्ट्स अवेलेबल होंगे बट
बट आई प्रेफर टू गो विद मिंत्रा, सो दैट्स व्हाई शोड यू एज मिंत्रा, जो कि बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन मुझे इसका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा। इनर वेयर के ऊपर चलते हैं, जो कि है वेस्ट, जो कि नॉर्मल वेस्ट है। दिस इज द डिक्सी स्कॉट, दिस इज फॉर पीस 174, एंड इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा अमेजिंग है। दिस इज द लाइन इन लाइन वन स्ट्रिप्ड वन, सो स्ट्रिप मतलब कैसे बताऊँ अभी आपको, स्ट्रिप वन वैसे दिख नहीं रहा होगा फोटो में, अवेलेबल ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, बट स्ट्रिप वन मतलब ऐसे लाइन लाइन वाला है, मतलब ऐसे टेक्सचर है उसके ऊपर। सो या दिस इज फ्रॉम द डिक्सिस स्कॉट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में, एंड वैसे जॉकी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो दिस इज द इनर वेस्ट, ओके। सो आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक ही वे में, मतलब ये एक बार काम नहीं आने वाला, ये बहुत ज़्यादा टाइम आप यूज़ कर सकते हो एज अ लेयरिंग टाइप, जैसे कि मैंने अभी किया है। ये जो अंदर वेस्ट पहना है दिस वन, एंड अंदर ऊपर से मैंने ये शर्ट पहना हुआ है। सो दिस इज़ वेरी अ कूल वे टू स्टाइल वन क्लोथ इन अ डिफरेंट वेज। लेट्स गो टूवर्ड्स आर बॉटम। बॉटम में ये सेम एग्जैक्ट सेम बैगी जीन्स अवेलेबल है, जो कि फ्लेयर वाली है, एंड दिस इज़ फ्रॉम वुमेन सेक्शन। सो मेरे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, इवन जो कोरियन वाला वीडियोज़ में मैंने बताया कि देर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम द वुमेन सेक्शन। द थिंग इज़ दैट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द वुमेन एंड मैन, कि कौन से क्लोथिंग पे ज़्यादा सूट होने वाला है और कौन सा यूनिसेक्स लगेगा, ओके। सो येस, एंड मैंने इवन बैगी जीन्स वाला भी वीडियो अपलोड किया है पहले, सो इफ़ यू हैवंट इट वॉच, आई adding on the bell icon, eye button, भी apply कर दूंगा, so just to watch that as well, and even the description link. So yes, this is the exact jeans, जो कि वैसे ही सेम है, ओके। सो यस, दिस इज अ फर्स्ट आउटफिट क्रिएटेड। लेट्स गो टू अ सेकंड आउटफिट। वैसे मैंने प्राइस भी नहीं बताया उसका यार, पैकेजिंग का प्राइस है 719, जो कि अगेन अवेलेबल है मिंत्रा पे। सो व्हाई आई एम पिकअपिंग मोर फ्रॉम द मिंत्रा, जस्ट बिकॉज वहाँ पे easily मिल जाता है वेराइटी एज वेल एज द पैटर्न एंड क्वालिटी क्वान्टिटी एवरीथिंग। सो येस, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स आर सेकेंड आउटफिट, हियर इट इज़, एंड दिस इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग आउटफिट, जो कि ऊपर वेस्ट है एंड अंदर इनर टी शर्ट में वाइट कलर का प्लेन बेसिक टी शर्ट पहना है, नीचे लूज फिट जीन्स बोल सकते हैं इसको। लेट्स डिकोड इट। सो दिस इज़ द स्वेटर टाइप वेस्ट, जैसे कि मैंने बोला फैब्रिक में डिफरेंस हो सकता है, सो दिस इज़ द स्वेटर टाइप वेस्ट। वो एक कॉटन टाइप वेस्ट था, कॉटन या फिर समथिंग डिफरेंट क्लॉथ था, मुझे इतना रिकोगनाइज नहीं हुआ। फॉर रुपीज़ 399, दिस इज अगेन फ्रॉम द मिंत्रा। सो नेक्स्ट जो इनरवेयर पे जो उसने वाइट प्लेन बेसिक टी शर्ट पहना है, सो दिस इज़ फॉर रुपीज़ 249, एंड दिस इज़ फॉर फ्रॉम द ब्रांड रोडस्टर। सो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था मिंत्रा पे, जो फाइव बेस्ट ब्रांड अफोर्डेबल ब्रांड, सो आपको टी शर्ट्स एंड एवरीथिंग बहुत यू नो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो इफ यू हैवंट इट वॉच, लिंक इज अवेलेबल ऑन द आई बटन, सॉरी लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन, एंड आई बटन पे भी अवेलेबल है वीडियो, सो टू वॉच आफ्टर दिस वीडियो। हाँ, नॉट चैटिंग। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स आर बॉटम। बॉटम में ये प्लेन बेसिक यू नो डेनिम बैगी जीन्स अवेलेबल है, सो दिस इज फ्रॉम मीशो पे अवेलेबल है ये। सो दिस इज़ फॉर रुपीज़ 576, एंड ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट है ये प्राइस में बैगी जीन्स। सो लेट्स गो टूवर्ड्स आर थर्ड आउटफिट। थर्ड इज दिस वन, एंड मुझे ये आउटफिट मतलब इसका जो स्पेशली जो ऊपर का टॉप है वो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा ये ढूंढने में, बट आई गॉट इट। बहुत इसमें एक्चुअली 3 अवेलेबल है, सो मैं तीनों भी बताऊँगा कि आपको भी जो प्राइस में अगर आपको चाहिए तो आप, मैं बता दूंगा आपको। सो सबसे पहले जो मुझे मिला है वो फ्लिपकार्ट से मिला है, एंड बहुत डिफिकल्टली मिला है। सो इसमें थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंस है, बट कलर एंड एवरीथिंग मैचेबल है। सो आई गॉट दिस फ्रॉम फ्लिपकार्ट, दिस इज़ फॉर रुपीज़ 499, एंड सेकेंड जो मुझे मिला मीशो से, दिस इज़ आई थिंक बहुत मैचेबल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैचेबल हो रहा है, बिकॉज वो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब पता भी नहीं चलेगा, बट ऑलमोस्ट सेम है। दिस इज़ फ्रॉम द मीशो, एंड दिस इज़ फॉर रुपीज़ 334, एंड दिस इज़ फ्रॉम द वेमेन सेक्शन, बट आई थिंक शर्ट ही है नॉर्मल सा, सो अगर आप बाय करते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पता नहीं चलने वाला है। सो इट्स सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। एंड थर्ड आई गॉट दिस फ्रॉम मिंत्रा, एंड दिस इज़ ऑल्सो थोड़ा सा मैचेबल, बट अगर देखा जाए तो वो दोनों जो मैंने बताया उससे थोड़ा सा कम मैचेबल है ये, बिकॉज वो उस पर कैसे लीव्स पे है, लीव्स का है, एंड सेकेंड तो ऑलमोस्ट मैचेबल है ही, लेकिन थर्ड थोड़ा सा कंपैरेटिव देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम मैचेबल है, बट इट्स ओके इफ यू आर लुकिंग फॉर। दिस इज़ फॉर रुपीज़ 1055, सो थोड़ा सा क्वाइट बिट ऑफ एक्सपेंसिव है, लेकिन इफ यू आर ओके विद इट सो गो फॉर इट, और एल्स आई विल टेल प्रेफर दैट वो दोनों में से कोई एक में ही जाओ अगर आप अफोर्डेबल के बारे में सोच रहे हो तो। सो दिस इज द जीन्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट, दिस इज फॉर रुपीज़ 339, एंड इट्स फ्रॉम रोडस्टर ब्रांड, एंड इट्स अमेजिंग ब्रांड, सो या ट्रस्टफुल ब्रांड है सो रोडस्टर, एंड दिस इज अ स्लिम फिट जीन्स। दिस इज दिस
दिस इज द स्लिम फिट जीन्स फॉर रुपीज 339 एंड 339 में बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है. नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स आवर फोर्थ आउटफिट. दिस इज द फॉर्मल आउटफिट एंड दिस इज एक्चुअली माय वाइब बिकॉज मुझे ऐसे आउटफिट पहनना बहुत पसंद है जो कि फॉर्मल मीन्स थोड़ा सा कंफर्टेबल लूज यू नो. सो मुझे ऐसे अभी रिसेंटली मुझे ऐसे अच्छा लगा है पहनने के लिए. सो येस दिस इज द फोर्थ आउटफिट एंड लेट्स गो टुवर्ड्स आर टॉप. आई गॉट दिस सेम ऑलमोस्ट सेम बिकॉज वो जो फोटो में जो फैब्रिक है ना वो मुझे काइंड ऑफ सॉफ्ट लगा एंड बिकॉज वो दिखने में सॉफ्ट लग रहा है. सो आई थिंक मैंने वैसे ही सेम निकाला है. सो दिस इज लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंसिव. दिस इज फॉर रुपीज 1239 रुपीज एंड ये मिंत्रा पे अवेलेबल है. बट इसका फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट एंड मुझे फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. दैट्स वाई आई शोड यू. सो मैं ऑप्शन में बता देता हूँ कि सेकेंड इज दिस वन. ये भी ऑलमोस्ट सेम है बट दिस इज फॉर रुपीज 450 फ्रॉम अजियो एंड येस. सो दिस इज द बेज कलर. जो वो आउटफिट है ना उसमें अगर आपने गौर से देखा होगा तो उसमें कॉलर मतलब है लेकिन इट्स अस वन मतलब एक वन लाइन कॉलर है. स्लिक कॉलर है अवेलेबल. बाकी सो मुझे एग्जैक्टली मैं ढूंढ रहा था बट मुझे वैसा बिल्कुल नहीं मिला. सो मैंने सोचा ये बता देते हैं. सो बॉटम में एक्चुअली उसने चॉकलेट ब्राउनिश टाइप कुछ फॉर्मल पैंट्स पहना हुआ है. सो वैसे ही टाइप ऑफ मैंने चूज़ किया हुआ है. सो दिस इज फ्रॉम द अर्बैनिक ईयर एंड दिस इज फ्रॉम द अर्बैनिक. दिस इज फॉर रुपीज़ 1592 रुपीज़ एंड ये एक फॉर्मल पैंट है. सो बिकॉज उसने भी फॉर्मल पैंट पहना था तो मैंने फॉर्मल पैंट ही बता रहा हूँ मैं. वैसे ही सेकेंड ऑप्शनल बता रहा हूँ मैं. सो दिस इज फ्रॉम द ऑफ ड्यूटी एंड यहाँ पे स्पेशली मैंशन किया गया है कोरियन बैगी लूज फिट पैंट्स फॉर मैन विच इज इन ब्राउन कलर चॉकलेटी ब्राउन कलर एंड इसका प्राइस लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंसिव है लेकिन इसका जो फैब्रिक है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. दिस इज फॉर रुपीज 1699 दैट मीन्स 1700 एंड बट फैब्रिक के बाबत में तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इसका. वर्थ इट आई थिंक बहुत ज़्यादा वर्थ इट है. लेट्स गो टूवर्ड्स आर फिफ्थ आउटफिट. ये एक डिसेंट मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है एंड आई रियली लाइक्ड इट. लेट्स डिकोड इट. इसका जो टॉप है आप टॉप और बॉटम समझ लो डेफिनेटली. टॉप मतलब अपर वेयर बॉटम मतलब टाउन इतना तो सबको पता है. बट येस इसका जो टॉप है अवेलेबल है वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ईयर एंड जस्ट इज द बेज कलर बिकॉज वो बेज है. सो ऑलमोस्ट कलर मैचेबल हो रहा है. बट द थिंग इज दैट कि वो जो आउटफिट है ना उस पर जो टॉप है ना उसका जो स्वेटशर्ट है वहाँ पे उसने जो पहना है ना वो प्लेन है लेकिन यहाँ पे जो साइड में हार्ट का ये एक है मतलब पैटर्न है वो अवेलेबल नहीं है. सो ये प्लेन अवेलेबल है विच आई वुड लाइक टू शो यू ऑल. सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा डेफिनेटली. सो अगर आप चाहो तो बना देना कस्टमाइज करवा लेना टेलर से जाके. अगर आप प्योर वीटीएस फैन है तो आप कर सकते हो. एंड जो कि अगेन ऑफ ड्यूटी पे अवेलेबल है जो कि मैंने पहले बताया ब्राउनिश कलर का वो मेन सेक्शन से अवेलेबल था. ये वुमेन सेक्शन से अवेलेबल है. दिस इज फॉर रुपीज 1550 रुपीज एंड ये एक प्रॉपर कोरियन बैगी पैंट्स है. सो येस लेट्स गो टूवर्ड्स आवर सिक्स्थ आउटफिट दिस वन. एंड सबसे पहले जाते हैं अपने टॉप पे विच इज फ्रॉम मिंत्रा एंड दिस इज फॉर रुपीज 519 एंड ये ऑलमोस्ट पैटर्न वही है स्ट्रिप पैटर्न है लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसका जो आउटफिट है जो रियल आउटफिट है उसमें जो मतलब जो कॉलर पे है वो वाइट कलर का कॉलर है एंड ये एक्चुअली इनर मतलब पहले से प्रोवाइडेड है. लेयरिंग नहीं किया है बट अगर आप चाहो तो इसको लेयरिंग कर सकते हो. बट आई थिंक इस पे कॉलर अवेलेबल है पहले से ही. सो इफ़ यू वॉन्ट कि वैसे ही क्रिएट हो तो फिर आप अंदर वाइट शर्ट पहन सकते हो फिर उसके ऊपर ये टी शर्ट पहन सकते हो. सो कॉलर ऊपर कर देना सो वैसे ही दिखेगा. सो दिस इज़ फॉर रुपीज 519 फ्रॉम मिंत्रा. लेट्स कम टूवर्ड्स आर बॉटम. बॉटम में मैंने पहले जो फोर्थ आउटफिट बताया था वही सेम है. जो फॉर्मल मैंने जो आउटफिट बताया था वही सेम है बॉटम. सो आपको अलग से कुछ ऐसा कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है. सो वही सेम है जो कोरियन लूज फिट जीन्स जो मैंने बताई ऑफ ड्यूटी में से. सो वही सेम है. सो दिस इज़ फॉर रुपीज़ 1699 जो कि 1700 एंड येस. सो कुछ अलग नहीं है वही है सेम. सो लिंक भी वही होगा. सो आप ढूंढना मत कि कहाँ पे है करके. सो लिंक भी वही होगा. लेट्स गो टूवर्ड्स आर सेवेंथ आउटफिट. लेट्स डिकोड इट. सो ये जो टॉप है वो एक स्वेटर टाइप है फुल मतलब एक परफेक्ट स्वेटर टाइप है. दिस इज नॉट स्वेटशर्ट. स्वेटशर्ट और स्वेटर में बहुत सारा डिफरेंस है. तो जो किम टियोंग ने जो ऊपर वो टॉप में जो स्वेटर पहना था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है मतलब पैटर्न में वैसा बिल्कुल नहीं है बट कलर में है एंड थोड़ा सा उसका जो पैटर्न है जो मैं बताने वाला हूँ वो डिफरेंस है. सो कंपैरेटिवली देखा जाए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पैटर्न में लेकिन कलर एंड जो फैब्रिक है वो ऑलमोस्ट सेम है. सो दिस इज़ फ्रॉम अर्बैनिक फॉर रुपीज 1112 एंड ये एक पुल ओवर स्वेटर है. सो इसका जो पैटर्न है ना वो
मतलब टेक्सचर एंड पैटर्न एंड एवरीथिंग वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज वो वाला एक सीक्वेंस है पूरा, मतलब ऐसा प्रॉपर है, ये थोड़ा सा बीच में ऐसा है, फिर पैटर्न ऐसा सब कुछ आप फोटो में देख लेना. सो दिस इज फॉर रुपीज 1112. सो वैसे मेरे पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, दिस इज फ्रॉम मिंत्रा, वो मैंने पहले बताया अर्बैनिक से था. दिस इज फ्रॉम मिंत्रा फ्रॉम द मेन सेक्शन, दिस इज फॉर रुपीज 959, 959, 960 almost. So yes, so this is from Myntra and इसका beige color है. So yes, and let's go towards our bottom. Bottom पर मैंने पहले ही बताया था जो I think मैंने अभी मुझे आउटफिट का नंबर याद नहीं है, बट मैंने पहले ही बताया था ये आई थिंक पिछला आउटफिट ही पिछले से पिछला आउटफिट होगा शायद. सो वो मैंने बताया था. सो दिस इज फॉर रुपीज ऑफ ड्यूटी नहीं हाँ नायका से एक्चुअली अवेलेबल है, बट आपको ऑफ ड्यूटी पे भी मिल जाएगा. सो दिस इज फॉर दिस इज फ्रॉम नायका और इट्स ऑफ ड्यूटी बिकॉज वो ब्रांड ऑफ ड्यूटी सेलर है, बट नायका पे अवेलेबल है. सो नायका फैशन है, नॉट नायका ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाला, नायका फैशन जहाँ पे मैन एंड वुमेन अवेलेबल है. सो दिस इज फॉर रुपीज 1550 रुपीज, जो कि मैंने पहले ही बताया था. सो दिस इज द पैंट अगेन. सो लेट्स गो टूवर्ड्स आर एट आउटफिट, व्हाइट कलर का है. सो लेट्स डिकोड इट. सबसे पहले तो ये मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था ये सर्च करने में, बिकॉज वैसा जो उसने पहना आउटफिट में वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ मुझे फाइंड आउट करने के लिए. सो बट ऑलमोस्ट जैसे मैंने बोला मैचेबल है एंड फैब्रिक डिफरेंस हो सकता है, बट मुझे थोड़ा सा मैचेबल लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ. गाइज बारिश आने लगी, गर्मी के सीजन में लेजिट टर्म्स में बारिश आ रही है. माई माई व्हाट द नेचर इज गोइंग टू. तो सबसे पहले इनर वेयर में जाते हैं, जो उसने वेस्ट पहना है, जैसे कि मैंने पहना हुआ वेस्ट. सो उसके ऊपर जाते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था डिक्सी स्कॉट से मिंत्रा पे अवेलेबल है, जो कि है 174 रुपीज में. सो येस वही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. लेट्स गो टूवर्ड्स आर आउटर लेयरिंग. सो दिस इज फ्रॉम अर्बैनिक फॉर रुपीज 1592. इट्स एक्चुअली फॉर टाइप कोट, सो फॉर विंटर्स के लिए आपको काम आ सकता है, स्पेशली मुंबई में, या फिर आई मीन मुंबई एंड अभी बारिश गिर रही है बाहर लेजिट टर्म्स में, बट येस सो मुंबई में और एल्स समथिंग गुजरात और यू नो जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे स्पेशली ऐसे नहीं पहन सकते, बिकॉज आई लिव इन मुंबई से मुझे पता है यहाँ पे ठंड में भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है. हम लोग फर कोट या समथिंग लाइक टाइप ऑफ पहने, या फिर ब्लेजर पहने, या फिर कोट एंड ऐसे जो लॉन्ग कोट यू नो कोरियन ड्रामाज आप देख रहे होंगे सो उसमें पहनते हैं. सो वैसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, एंड ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पहन सकते, भाई पहन सकते हैं, फैशन अगर आप चाहो तो डेफिनेटली पहन सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इन दैट. सो दिस जींस इज अवेलेबल ऑन मीशो फॉर रुपीज 576, जो कि मैंने पहले ही बताया था. लिंक इज ऑल प्रोडक्ट ऑफ लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. एंड लेट्स गो टूवर्ड्स आर नाइंथ outfit. This is black and off-white का contrast, black and off-white का off-white और इट्स बेज, सो उसका कॉन्ट्रास्ट है. सो सबसे पहले जाता है टॉप पे, जो कि अवेलेबल है मिंत्रा पे, विच इज़ फॉर रुपीज 699, 700 का, फ्रॉम द बेवकूफ, एंड इट्स एक्चुअली अ गुड ब्रांड. सो ये एक्चुअली एक कॉटन टी शर्ट है, दिस इज नॉट अ स्वेट शर्ट. जो उसने पहना है वो ऑलमोस्ट टी शर्ट और स्वेट शर्ट काइंड ऑफ लग रहा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज. एंड उसने बॉटम में बेज कलर का पैंट पहना है, जो कि मैंने पहले दो आउटफिट में बताया आपको. सो वही सेम बता रहा हूँ मैं, दिस इज फ्रॉम द ऑफ ड्यूटी एज नायका फैशन, पहले ही मैंने बताया. सो आप ऑफ ड्यूटी या फिर नायका फैशन दोनों में से यू नो परचेज कर सकते हो इफ यू आर लुकिंग फॉर. सो दिस इज द कोरियन बैगी पैंट. ओके लेट्स गो टूवर्ड्स आर लास्ट एंड टेंथ आउटफिट, विच इज दिस वन. ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे एक्चुअली ये पहनना है ऐसा, बट ये मुंबई में नहीं पहन सकते, दैट इज द मेन रीजन, बिकॉज आई लिव इन मुंबई एंड स्पेशली इतनी गर्मी होती है, बिकॉज आई एम स्वेटिंग, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ. सबसे पहले तो बॉटम पे चलते हैं, इसके पहले मैंने जो बेज पैंट्स बताई थी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है. सो वही है, कोई डिफरेंस नहीं है. सो जो मैंने बेज पैंट्स बताई थी वही है, ये फॉर रुपीज 1550 रुपीज ऑफ ड्यूटी से. So this long coat is available on Urbanic. This is for rupees 3213. I know it's very expensive, but aap definitely yaar, aap kya expect kar rahe ho yaar, itna acha matlab fabric and everything, kya expect kar sakte ho. Mujhe ye lene ka bahut zyada man hai, but main nahi le sakta because yahan pe pehen nahi sakte. Main agar जम्मू कश्मीर होता तो मैं शायद ले लेता, बट ये सो बिकॉज यहाँ पे विंटर है ही नहीं, तो मैं क्या लूँगा. सो दिस इज़ फॉर रुपीज़ 3213 रुपीज़ फ्रॉम अर्बैनिक. मुंबई में ऐसा नहीं मिलता, बिकॉज मुंबई में इतनी ठंड होती ही नहीं कि आपको ऐसे क्लॉथ्स मिलेंगे करके, बट अगर आप दिल्ली विल्ली में हो तो डेफिनेटली आपको ईजिली मिल जाएगा ऑफलाइन में भी. सो येस दिस इज दी 10th आउटफिट एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. यार 10th आउटफिट हो चुका, बट आई नो मैंने बीच में बहुत ज़्यादा रीटेक लिया, बिकॉज
बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे पता है कि मैं इतने एंड तक कैसे आया हूँ वीडियो को लेके। ओके दैट्स ऑल 10 आउटफिट जो कि मैंने पिंटरेस्ट से पिकअप किए थे किम टियोंग के। सो येस एंड लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा वीडियो, एंड ऑल्सो अगर आपको पार्ट टू चाहिए और मोर आउटफिट्स के, इसके मतलब और ज़्यादा आउटफिट्स के यू नो चाहिए, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना एक बार। एंड अगर कुछ भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन, आई बी डेफिनेटली रिप्लाइंग यू ऑल, रिस्पॉन्डिंग यू ऑल। लाइक शेयर एंड कॉमेंट सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मन इंस्टाग्राम for short contents as well, and yeah, that's it for this video. Milta agle video mein, till then stay tuned and bye bye. Okay, bye.